जय श्री राधे। श्री चैतन्य चरितावली के इससे पूर्व के भाग में आपने संन्यास से पूर्व की कथा का श्रवण किया। अब भक्त वृंद और गौर हरे, श्रीमद् भागवत 10:39-28 में कहा गया है, निवारयामः समुपेत्य माधवम किम नो अकरिष्यन् कुल वृद्ध बांधवः मुकुंद संगान्य मिषार्ध दुष्टेजाद देवेन विध्वंसित दीन चेतसाम। भगवान के मथुरा जाने के समय वियोग दुख से दुखी हुई गोपिकाएं परस्पर कह रही हैं, अरे सखियों न हो तो चलो, हम सब भगवान के रथ के सामने लेटकर या और किसी बात से उन्हें मथुरा जाने से रोकें। यदि है कहो कि कुल के बड़े बूढ़ों के सामने ऐसा साहस हम कर ही कैसे सकती हैं। सो इसकी बात तो यह है कि जिन मुकुंद के मुख कमल को देखे बिना हम क्षण भर भी नहीं रह सकती, उन्हीं का आज देव योग से असह्य वियोग जन्य दुख आकर उपस्थित हो गया है। ऐसी दीन चित्त वाली हम दुखनियों का कुल के बड़े बूढ़े कर ही क्या सकते हैं, उनका हमें क्या भय। महाप्रभु का वैराग्य दिनों दिन बढ़ता ही जाता था, उधर विरोधियों के भाव भी महाप्रभु के प्रति अधिकाधिक उत्तेजना पूर्ण होते जाते थे। दुष्ट प्रकृति के कुछ पुरुष प्रभु के ऊपर प्रहार करने का सुयोग ढूंढने लगे। महाप्रभु ने ये बातें सुनी और उनके हृदय में उन भाइयों के प्रति महान दया आई। वे सोचने लगे, ये इतने भूले हुए जीव किस प्रकार रास्ते पर आ सकेंगे, इनके उद्धार का उपाय क्या है, ये लोग किस भांति श्री हरि की शरण में आ सकेंगे। एक दिन महाप्रभु भक्तों के सहित गंगा स्नान के निमित्त जा रहे थे। रास्ते में प्रभु ने दो चार विरोधियों को अपने ऊपर ताने कसते हुए देखा। तब आप हंसते हुए कहने लगे, पिप्पली के टुकड़े इसलिए किए थे कि उससे कफ की निवृत्ति हो, किंतु उसका प्रभाव उल्टा ही हुआ, उससे कफ की निवृत्ति न होकर और अधिक बढ़ने लगा। इतना कहकर प्रभु फिर जोरों के साथ हंसने लगे। भक्तों में से किसी ने भी इस गूढ़ वचन का रहस्य नहीं समझा। केवल नित्यानंद जी प्रभु की मनोदशा देखकर ताड़ गए कि जरूर प्रभु हम सबको छोड़कर कहीं अन्यत्र जाने की बात सोच रहे हैं। इसीलिए उन्होंने एकांत में प्रभु से पूछा, प्रभु आप हमसे अपने मन की कोई बात नहीं छिपाते, आजकल आपकी दशा कुछ विचित्र ही हो रही है, हम जानना चाहते हैं इसका क्या कारण है। नित्यानंद जी की ऐसी बात सुनकर गदगद कंठ से प्रभु कहने लगे, श्रीपाद तुमसे छिपाव ही क्या है, तुम तो मेरे बाहर चलने वाले प्राण ही हो, मैं अपने मन की दशा तुमसे छिपा नहीं सकता, मुझे कहने में दुख हो रहा है, अब मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा है, मैं अब अपने अधीन नहीं हूँ, जीवों का दुख अब मुझसे देखा नहीं जाता, मैं जीवों के कल्याण के निमित्त अपने सभी संसारी सुखों का परित्याग करूँगा, मेरा मन अब गृहस्थ में नहीं लगता है, अब मैं परिव्राजक धर्म का पालन करूंगा, जो लोग मेरी उत्तरोत्तर बढ़ती हुई कीर्ति से डाह करने लगे हैं, जो मुझे भक्तों के सहित आनंद विहार करते देखकर जलते हैं, जो मेरी भक्तों के द्वारा की हुई पूजा को देखकर मन ही मन हमसे विद्वेष करते हैं, वे जब मुझे मुड़ मुड़ाकर घर घर भिक्षा के टुकड़े मांगते देखेंगे तो उन्हें अपने बुरे भावों के लिए पश्चाताप होगा, उसी पश्चाताप के कारण वे कल्याण पथ के पथिक बन सकेंगे। इन मेरे घुंघराले काले काले बालों ने ही लोगों के विद्वेषपूर्ण हृदय को क्षुभित बना रखा है। भक्तों के द्वारा आंवले के जल से धोए हुए और सुगंधित तेलों से तर हुए ये बाल ही भूले भटके अज्ञानी पुरुषों के हृदयों में विद्वेष की अग्नि भवकाते हैं, मैं इन घुंघराले बालों को नष्ट कर दूंगा, शिखा सूत्र का त्याग करके मैं वीतराग सन्यासी बनूंगा, मेरा हृदय अब सन्यासी होने के लिए तड़प रहा है, मुझे वर्तमान दशा में शांति नहीं, सच्चा सुख नहीं, मैं अब पूर्ण शांति और सच्चे सुख की खोज में सन्यासी बनकर द्वार द्वार पर भटकूंगा, मैं अपरग्रही सन्यासी बनकर सभी प्रकार के परिग्रहों का त्याग करूंगा। श्रीपाद तुम स्वयं त्यागी हो, मेरे पूज्य हो, बड़े हो, मेरे इस काम में रोड़े मत अटकाना। प्रभु की ऐसी बात सुनते ही नित्यानंद जी अधीर हो गए, उन्हें शरीर का भी होश नहीं रहा, प्रेम के कारण उनके नेत्रों में से अश्रु बहने लगे, उनका गला भराया,
रुंधे हुए कंठ से उन्होंने रोते रोते कहा, प्रभो आप सर्वसमर्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मेरी क्या शक्ति है जो आपके काम में रोड़े अटका सकूं? किंतु प्रभो ये भक्त आपके बिना कैसे जीवित रह सकेंगे? हाय विष्णु प्रिया जी की क्या दशा होगी, बूढ़ी माता जीवित न रह सकेंगी, आपके पीछे वह प्राणों का परित्याग कर देंगी, प्रभो उनकी अंतिम अभिलाषा भी पूर्ण न हो सकेगी, अपने प्रिय पुत्र से उन्हें अपने शरीर के दाह कर्म का भी सौभाग्य प्राप्त न हो सकेगा। प्रभो निश्चय समझिए, माता आपके बिना जीवित न रहेंगी। प्रभु ने कुछ गंभीरता के स्वर में नित्यानंद जी से कहा, श्रीपाद आप तो ज्ञानी हैं, सब कुछ समझते हैं, सभी प्राणी अपने अपने कर्मों के अधीन हैं, जितने दिनों तक जिसका जिसके साथ संबंध होता है वह उतने ही दिनों तक उसके साथ रहता है, सभी अपने अपने प्रारब्ध कर्मों के विवश हैं। प्रभु की बातें सुनकर नित्यानंद जी चुप रहे। प्रभु उठकर मुकुंद के समीप चले आए। मुकुंद दत्त का गला बड़ा ही सुरीला था, प्रभु को उनके पद बहुत पसंद थे, वे बहुधा मुकुंद दत्त से भक्तिरस के अपूर्व अपूर्व पद गवा गवा कर अपने मन को संतुष्ट किया करती थी। प्रभु को अपने यहाँ आते हुए देखकर मुकुंद ने जल्दी से उठकर प्रभु की चरण वंदना की और बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। प्रभु ने बैठते ही मुकुंद दत्त से कोई पद गाने के लिए कहा। मुकुंद बड़े स्वर के साथ गाने लगे। मुकुंद के पद को सुनकर प्रभु प्रेम में गदगद हो उठे। फिर प्रेम से मुकुंद दत्त का आलिंगन करते हुए बोले, मुकुंद अब देखें तुम्हारे पद कब सुनने को मिलेंगे। आश्चर्यचकित होकर संभ्रम के सहित मुकुंद कहने लगे, क्यों क्यों प्रभु, मैं तो आपका सेवक हूँ, जब भी आज्ञा होगी तभी गाऊंगा। आंखों में आंसू भरे हुए प्रभु ने कहा, मुकुंद अब हम इस नवदीप को त्याग देंगे, सिर मुड़ा लेंगे, काषाय वस्त्र धारण करेंगे, द्वार द्वार से टुकड़े मांगकर अपनी भूख को शांत करेंगे और नगर के बाहर सूने मकानों में टूटी कुटियाओं में तथा देवताओं के स्थानों में निवास करेंगे। अब हम गृह त्यागी वैरागी बनेंगे। मानो मुकुंद के ऊपर वज्राघात हुआ हो। उस हृदय को बेधने वाली बात को सुनते ही मुकुंद मूर्छित से हो गए। उनका शरीर पसीने से तर हो गया। बड़े ही दुख से कातर स्वर में वे विलख विलख कर कहने लगे, प्रभु हृदय को फाड़ देने वाली आप यह कैसी बात कर रहे हैं? हाय इसीलिए आपने इतना स्नेह बढ़ाया था क्या? नाथ यदि ऐसा ही करना था तो हम लोगों को इस प्रकार आलिंगन करके पास में बैठा के प्रेम से भोजन करा के एकांत में रहस्य की बातें कर करके इस तरह से अपने प्रेम पास में बांध ही क्यों लिया था? हे हमारे जीवन के एकमात्र आधार, आपके बिना हम नवदीप में किसके बनकर रह सकेंगे? हमें कौन प्रेम की बातें सुनावेगा? हमें कौन संकीर्तन की पद्धति सिखावेगा? हम सबको कौन भगवान नाम का पाठ पढ़ावेगा? प्रभु आपके कमल मुख के बिना देखे हम जीवित न रह सकेंगे, यह आपने क्या निश्चय किया है? हे हमारे जीवन दाता, हमारे ऊपर दया करो। प्रभु ने रोते हुए मुकुंद को अपने गले से लगाया, अपने कोमल करों से उनके गरम गरम आंसुओं को पोंछते हुए कहने लगे, मुकुंद तुम इतने अधीर मत हो, तुम्हारे रुदन को देखकर हमारा हृदय फटा जाता है, हम तुमसे कभी पृथक न होंगे, तुम सदा हमारे हृदय में ही रहोगे। मुकुंद को इस प्रकार समझाकर प्रभु गदाधर के समीप आए। महाभागवत गदाधर ने प्रभु को इस प्रकार असमय में आते देखकर कुछ आश्चर्य सा प्रकट किया और जल्दी से प्रभु की चरण वंदना करके उन्हें बैठने को आसन दिया। आज ये प्रभु की ऐसी दशा देखकर कुछ भयभीत से हो गए। उन्होंने आज तक प्रभु की ऐसी आकृति कभी नहीं देखी थी। उस समय की प्रभु की चेष्टा में दृढ़ता थी, ममता थी, वेदना थी और त्याग वैराग्य उपरति और न जाने क्या क्या भव्य भावनाएं भरी हुई थीं। गदाधर कुछ भी न बोल सके। तब प्रभु आपसे आप ही कहने लगे, गदाधर तुम्हें मैं एक बहुत ही दुखपूर्ण बात सुनाने आया हूँ, बुरा मत मानना। क्यों बुरा तो न मानोगे? मानो गदाधर के ऊपर यह दूसरा प्रहार हुआ, वे उसी भांति चुप बैठे रहे। प्रभु की इस बात का भी उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। तब प्रभु कहने लगे, मैं अब तुम लोगों से पृथक हो जाऊंगा,
अब मैं इन संसारी भोगों का परित्याग कर दूंगा और यति धर्म का पालन करूंगा। गदाधर तो मानो काठ की मूर्ति बन गए। प्रभु की इस बात को सुनकर भी वे उसी तरह मौन बैठे रहे। इतना अवश्य हुआ कि उनका चेतना शून्य शरीर पीछे की दीवार की ओर स्वयं लुढ़क पड़ा। प्रभु समीप ही बैठे थे। थोड़ी ही देर में गदाधर का सिर प्रभु के चरणों में लौटने लगा। उनके दोनों नेत्रों से दो जल की धाराएं निकलकर प्रभु के पाद पद्मों को प्रच्छालित कर रही थीं। उन गरम गरम अश्रुओं के जल से प्रभु के शीतल कोमल चरणों में एक प्रकार की और अधिक ठंडक सी पड़ने लगी। उन्होंने गदाधर के सिर को बलपूर्वक उठाकर अपनी गोदी में रख लिया और उनके आंसू पोंछते हुए कहने लगे, गदाधर तुम इतने अधीर हो गए तो भला मैं अपने धर्म को कैसे निभा सकूंगा। मैं सब कुछ देख सकता हूँ किंतु तुम्हें इस प्रकार विलखता हुआ नहीं देख सकता। मैंने केवल महान प्रेम की उपलब्धि करने के ही निमित्त ऐसा निश्चय किया है। यदि तुम मेरे इस शुभ संकल्प में इस प्रकार विघ्न उपस्थित करोगे तो मैं कभी भी उस काम को न कर सकूंगा। तुम्हें दुखी छोड़कर मैं शाश्वत सुख को भी नहीं चाहता। क्या कहते हो, बोलते क्यों नहीं? रुंधे हुए कंठ से बड़े कष्ट के साथ लड़खड़ाती हुई वाणी में गदाधर ने कहा, प्रभु मैं कह ही क्या सकता हूँ। आपकी इच्छा के विरुद्ध कहने की सामर्थ्य किसकी है? आप स्वतंत्र ईश्वर हैं। प्रभु ने कहा, मैं तुमसे आज्ञा चाहता हूँ। गदाधर अब अपने वेग को और अधिक न रोक सकी। वे डाह मार मार कर जोरों से रुदन करने लगे। प्रभु भी अधीर हो उठे। उस समय का दृश्य बड़ा ही करुणापूर्ण था। प्रभु की प्रेममयी गोद में पड़े हुए गदाधर अबोध बालक की भांति फूट फूट कर रुदन कर रहे थे। प्रभु उनके सिर पर हाथ फेरते हुए उन्हें ढाढ़स बंधा रहे थे। प्रभु अपने अश्रुओं को वस्त्र के छोर से पोंछते हुए कह रहे थे, गदाधर तुम मुझसे पृथक न रह सकोगे। मैं जहाँ भी रहूँगा तुम्हें साथ ही रखूँगा। तुम इतने अधीर क्यों होते हो? तुम्हारे बिना तो मुझे बैकुंठ का सिंहासन भी रुचकर नहीं होगा। तुम इस प्रकार की अधीरता को छोड़ो। मंगलमय भगवान सब भला ही करेंगे। यह कहते कहते गदाधर का हाथ पकड़े हुए प्रभु श्रीवास के घर पहुँचे। गदाधर की दोनों आंखें लाल पड़ी हुई थीं। नाक में से पानी बह रहा था। शरीर लड़खड़ाया हुआ था। कहीं पैर रखते थे, कहीं जाकर पड़ते थे। संपूर्ण देह डगमगा रही थी। प्रभु के हाथ के सहारे से वे यंत्र की तरह चले जा रहे थे। प्रभु उस समय सावधान थे। श्रीवास सब कुछ समझ गए। उनसे पहले ही नित्यानंद जी ने आकर यह बात कह दी थी। वे प्रभु को देखते ही रुदन करने लगे। प्रभु ने कहा, आप मेरे पिता के तुल्य हैं। जब आप ही इस तरह मुझे हतोत्साहित करेंगे तो मैं अपने धर्म का पालन कैसे कर सकूंगा? मैं कोई बुरा काम करने नहीं जा रहा हूँ। केवल अपने शरीर के स्वार्थ के निमित्त भी संन्यास नहीं ले रहा हूँ। आजकल मेरी दशा उस महाजन साहूकार की सी है जिसका नाम तो बड़ा भारी हो किंतु पास में पैसा एक भी न हो। मेरे पास प्रेम का अभाव है। आप सब लोगों को संसारी भोग्य पदार्थों की न तो इच्छा ही है और न कमी ही। आप सभी भक्त प्रेम के भूखे हैं। मैं अब परदेश जा रहा हूँ। जिस प्रकार महाजन परदेशों में जाकर धन कमा लाता है और उस धन से अपने कुटुंब परिवार के सभी स्वजनों का समान भाव से पालन पोषण करता है, उसी प्रकार मैं भी प्रेम रूपी धन कमाकर आप लोगों के लिए लाऊंगा। तब हम सभी मिलकर उसका उपभोग करेंगे। कुछ क्षीण स्वर में श्रीवास पंडित ने कहा, प्रभु जो बड़भागी भक्त आपके लौटने तक जीवित रह सकेंगे वे ही आपकी कमाई का उपभोग कर सकेंगे। हम लोग तो आपके बिना जीवित रह ही नहीं सकते। प्रभु ने कहा, पंडित जी आप ही हम सबके पूज्य हैं। मुझे कहने में लज्जा लगती है किंतु प्रसंगवश कहना ही पड़ता है कि आपके ही द्वारा हम सभी भक्त इतने दिनों तक प्रेम के सहित संकीर्तन करते हुए भक्ति रसामृत का रसास्वादन करते रहे। अब आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने व्रत को पूर्ण रीत्या पालन कर सकें। इतने में ही मुरारी गुप्त भी वहाँ आ गए। वे तो इस बात को सुनते ही एकदम बेहोश होकर गिर पड़े। बहुत देर के पश्चात चैतन्य लाभ होने पर कहने लगे, प्रभु आप सर्वसमर्थ हैं, किसी की मानेंगे थोड़े ही।
जिसमें आप जीवों का कल्याण समझेंगे, वह चाहे आपके प्रियजनों के लिए कितनी भी अप्रिय बात क्यों न हो, उसे भी कर डालेंगे। किंतु हे हम पतितों के एकमात्र आधार, हमें अपने हृदय से न भुलाइएगा। आपके श्री चरणों की स्मृति बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद और देते जाइएगा। आपके चरणों का स्मरण बना रहे तो यह नीरस जीवन भी सार्थक है। आपके चरणों की विस्मृति में अंधकार है और अंधकार ही अज्ञानता का हेतु है। प्रभु ने मुरारी का गाढ़ आलिंगन करते हुए कहा, तुम तो जन्म जन्मांतरों के मेरे प्रिय सुहृद हो, यदि तुम सबको ही भुला दूंगा तो फिर स्मृति को ही रखकर क्या करूंगा। स्मृति तो केवल तुम ही प्रेमी बंधुओं के चिंतन करने के लिए रख रखी है। इस प्रकार सभी भक्तों को समझा बुझा कर प्रभु अपने घर चले गए। इधर प्रभु के सभी अंतरंग भक्तों में यह बात बिजली की तरह फैल गई। जो भी सुनता वही हाथ मलने लगता। कोई ऊर्ध्वश्वास छोड़ता हुआ कहता, हाय अब यह कमल नयन फिर प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर न देख सकेंगे। कोई कहता, क्या गौर हरि के मुनिमन मोहन मनोहर मुख के दर्शन अब फिर न हो सकेंगे। कोई कहता, हाय इन घुंघराले केशों को कौन निर्दयी नाई सिर से अलग कर सकता है। बिना इन घुंघराले बालों वाला यह गुटा सिर भक्तों के हृदयों में कैसी दाह उत्पन्न करेगा। कोई कहता, प्रभु काषाय वस्त्र की झोली बनाकर घर घर टुकड़े मांगते हुए किस प्रकार फिरेंगे। कोई कहता, ये अरुण रंग के कोमल चरण इस कठोर पृथ्वी पर नंगे किस प्रकार देश विदेशों में घूम सकेंगे। कोई कोई पश्चाताप करता हुआ कहता, हम अब उन घुंघराले काले काले कंधों तक लटकने वाले बालों में सुगंधित तेल न मल सकेंगे क्या। क्या अब हमारे पुण्यों का अंत हो गया। क्या अब नवदीप का सौभाग्य सूर्य नष्ट होना चाहता है। क्या नदिया नागर अपनी इस लीला भूमिका परित्याग करके किसी अन्य सौभाग्यशाली प्रदेश को पावन बनावेंगे। क्या अब नवदीप पर क्रूर ग्रहों की वक्र दृष्टि पड़ गई। क्या अब भक्तों का एकमात्र प्रेमदाता हम सबको बिलखता हुआ ही छोड़कर चला जाएगा। क्या हम अब अनाथों की तरह इसी तरह तड़प तड़प कर अपने जीवन के शेष दिनों को व्यतीत करेंगे। क्या सचमुच में हम लोग जागृत अवस्था में ये बातें सुन रहे हैं या हमारा है स्वप्न का भ्रम ही है। मालूम तो स्वप्न सा ही पड़ता है। इस प्रकार सभी भक्त प्रभु के भावी वियोग जन्य दुख का स्मरण करते हुए भांति भांति से प्रलाप करने लगे। इस भाग में इतना ही। अब प्रेम पूर्वक सभी भक्तों का नित्यानंद प्रभु जी का और महाप्रभु चैतन्य जी का स्मरण करते हुए गदगद कंठ से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।